हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलरजिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है डिमांड एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का वेटेज 15 मार्क्स का है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन, थर्ड ए और थर्ड बी याद कर लिए तो ऑलमोस्ट आपको 48 मार्क्स मिल सकते हैं। 80 में से 48 मतलब लगभग आप लोग का देख सकते हो, आप लोग 70% तक, 65% तक का पोर्शन ये चार ही चैप्टर में आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15 मार्क्स का है और बहुत छोटा है और बहुत इजी है। अगर आप लोग को समझ जाएगा तो याद करने में, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर आप लोग को नहीं समझेगा तो आप लोगों को फिर प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप फिर रट्टा मारते हो। तो अगर समझ लोगे तो गारंटी है कि वीडियो, अगर आप लोगों ने तीनों चारों जो इतने वीडियो में बनाऊंगा सब वीडियो अगर आप लोगों ने देखे तो इजीली आपको समझ जाएगा। पिछले दो चैप्टर भी मैंने समझाया है, उसके भी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप लोग को देखना है तो देख सकते हैं। आगे भी कोशिश है मेरे कि इतना ज्यादा चैप्टर हो सकता है उतने ज्यादा चैप्टर कवर करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर जिसका नाम है डिमांड एनालिसिस। ठीक है, तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन प्रीवियस चैप्टर। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में यूटिलिटी के बारे में पढ़े थे। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कि एक कमोडिटी में कितनी पावर है कि वो आपकी जरूरत को, आपकी वांट को पूरा कर सकती है। बराबर ना? तो यूटिलिटी ही क्या बनता है, हमारी डिमांड का बेस बनता है। यहाँ पे लिखा देखो, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी में जनरेट डिजायर और नीड टू हैव पर्टिकुलर कमोडिटी, बट यूटिलिटी ऑन इट्स ओन कैन नॉट जनरेट डिमांड फॉर द कमोडिटी। तो यूटिलिटी आपकी क्या बोलते हैं, डिजायर को जनरेट करती है। क्योंकि जैसे एग्जांपल एक कार मैंने देखा, मर्सिडीज है, तो मर्सिडीज मैंने देखा तो मेरे अंदर डिजायर पैदा हुआ कि मुझे इसे लेना है। बराबर ना? लेकिन सिर्फ वो मेरे लिए यूटिलिटी भी रखती है, मेरे लिए काम की भी है, लेकिन फिर भी मैं उसको डिमांड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। नहीं तो बहुत लोग को समझते हैं, समझ लगता है कि डिमांड और डिजायर क्या है, दोनों सेम है। लेकिन डिमांड और डिजायर में बहुत फर्क होता है। क्या फर्क है, क्या डिफरेंशिएशन है, वो हम लोग धीरे धीरे चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोग को सब क्लियरली समझ में आएगा। तो पहले देखिए क्या लिखा है, द चैप्टर इज एन एफर्ट टू एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। तो इस चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है कि डिमांड होता क्या है। डिमांड एनालिसिस इज कंसर्न विद कंज्यूमर बिहेवियर। जो डिमांड का एनालिसिस करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, डिमांड किस पे डिपेंड करती है, कंज्यूमर के बिहेवियर पे, कस्टमर के बिहेवियर पे, जो उसको कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट हो उसके बिहेवियर पे हमारे डिमांड का असर आता है। अब देखिए क्या लिखा है इधर, मीनिंग ऑफ डिमांड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। नॉर्मल लैंग्वेज की बात करेंगे तो डिमांड का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, डिजायर। डिजायर मतलब मेरे को ये चीज चाहिए, तो इसका मतलब हम लोग डिमांड समझते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में थोड़ा अलग है। डिजायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग, हम लोग इधर कोई चाहते हैं कि हम लोग को कोई चीज चाहिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिजायर या डिमांड बोलते हैं नॉर्मली। लेकिन इकोनॉमिक्स में थोड़ा अलग है। डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया है किसकी, डिमांड की। कि डिमांड का मतलब होता है आप लोग को डिजायर, लेकिन साथ में दो चीजें उसके साथ में अटैच किया है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। जैसे कभी कभी ऐसा कि बहुत सारी जैसे मस्जिद मैंने देखा तो सिंपल सी बात है, वो मुझे चाहिए, यूटिलिटी भी रखती है और मैं डिजायर भी है, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं उसको डिमांड करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास विलिंगनेस होना चाहिए कि मैं उतना पैसा पे करूं, या साथ में ये भी होना चाहिए कि मैं, मेरी एबिलिटी भी होना चाहिए कि मैं उतना पैसा उसके लिए पे कर सकता हूं। तो दोनों चीजें, डिजायर भी होना, तीन चीजें हैं। डिजायर होना चाहिए मुझे उतना कीमत पे करने की, विलिंगनेस भी होना चाहिए, चाहत भी होना चाहिए कि मैं तो उसके उतना पैसा उसके लिए पे करूं। जब कभी करो ना प्रोडक्ट, हम लोग मार्केट में आते हैं कि हमारे पास चप्पल, हम जूते लेने गए तो 1000 का जूता हमको, 2000 का जूता, 3000 का जूता, तो हमको तीनों ले सकते हैं हम लोग। तीनों के लिए हम लोग के पास यूटिलिटी है, तीनों में डिजायर है, लेकिन प्रॉब्लम है कि हम लोग चाहते नहीं कि हम लोग 3000 वाला खरीदे, हम लोग सोचते हैं 1000 वाला खरीदे। क्यों? क्योंकि मेरी विलिंगनेस, मतलब मेरी, मैं चाहता हूं कि मैं इतना पे नहीं करूं, एबिलिटी भी है तो भी नहीं करता। तो तीनों चीजें साथ में अगर होगी तब हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड। आपकी चाहत भी होना चाहिए उसको पे करने के लिए, आपकी सलाहियत, एबिलिटी भी होना चाहिए आपको उसको पे करने की, और साथ में आप लोग उसके अंदर डिजायर भी होना चाहिए, ये चीज मुझे चाहिए। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ पर्सन हैज अ डिजायर टू परचेस अ टेलीविजन सेट बट डू नॉट हैव एडेक्वेट परचेसिंग पावर, देन इट विल बी सिंपली अ डिजायर नॉट अ डिमांड। मतलब क्या होता है, मतलब कि एक इंसान है जिसको टीवी खरीदना है लेकिन उसके पास परचेसिंग पावर नहीं, उसके पास उतना पैसा नहीं है, तो सिंपल सी बात है उसको हम लोग डिजायर बोलेंगे, डिमांड नहीं बोलेंगे। डिमांड कब बोलेंगे, जब उसके पास एबिलिटी भी होगी पे करने की और चाहता भी उसको पे करने के लिए और उसकी डिजायर भी। ठीक है, तो दस डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर। डिजायर का इफेक्ट होता है, मतलब डिजायर से ही क्या बनता है, डिमांड बनता है। तो ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड, लेकिन सारी डिजायर्स डिमांड होती जैसे नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल मर्सिडीज का लिया, तो मेरी डिजायर है लेकिन डिमांड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मेरी एबिलिटी नहीं है कि मैं उतना पैसा पे कर सकता।
क्लियर है? चलिए, इन शॉर्ट डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे. तो इक्वेशन याद रखना, इक्वेशन आएगा एग्जाम में तो ये अच्छा खासा आप लोग यहां से लेके यहां तक लिखोगे. अगर डिमांड के बारे में दो मार्क्स का शॉर्ट नोट भी आ सकता है, कोई आंसर भी पूछेगा डिमांड के बारे में, तो उसके पहले डिमांड के बारे में इंट्रोडक्शन लिखोगे तो काफी अच्छा होगा यहां तक. ठीक है, चलिए आगे आते हैं. डेफिनेशन ऑफ डिमांड. अकॉर्डिंग टू बेनहम द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज अमाउंट ऑफ इट. तो डिमांड फॉर कोई भी चीज की डिमांड क्या बोलेंगे हम लोग, एट अ गिवन प्राइस, मतलब जो भी उसका प्राइस बोल रहा है उस पे, बराबर, इज द अमाउंट ऑफ इट व्हिच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ अ टाइम ऑफ टाइम एट दैट प्राइस. तो हम लोग एक टाइम पे एक वक्त में वो क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी उसकी खरीदेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग डिमांड. ठीक है ना, किसी भी चीज की डिमांड के मतलब क्या बोलेंगे. जैसे एग्जांपल, मैं बाजार में गया और एक किलो एप्पल खरीद के ले गया, तो एक टाइम है उसके लिए ना, एक दिन की या एक उस टाइम पे मैंने एक किलो एप्पल खरीदा, वो मेरी डिमांड है और मैंने उसके लिए पे कर दिया, बराबर ना. तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग डिमांड. डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस, मतलब कोई जो प्राइस है उसके ऊपर इज द अमाउंट ऑफ इट, मतलब कितना हम लोग अमाउंट विच विल बी बॉट पर इट एट द टाइम ऑफ अ टाइम एट दैट प्राइस. तो हम लोग एक यूनिट के लिए कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं उसी को क्या बोलेंगे हम लोग डिमांड के कैटेगरी में रखेंगे. ठीक है ना. Thus, following are the features of demand. Demand is relative concept. Demand क्या होता है? Relative concept होता है. और demand is essentially expressed with reference to time and place. तो demand relative होता है, मतलब क्या हो सकता है कि हर एक का अलग अलग हो सकता है. ठीक है ना, मतलब ना मेरे लिए अलग, हमारे लिए अलग, उसके लिए अलग. और demand is essentially expressed with reference to time and place. और demand जब भी बोलेगा तो आप लोग उसके हाथ में time और price होना चाहिए. बोलेंगे ना मुझे 100 किलो apple चाहिए, तो 100 किलो apple कितने वक्त के लिए चाहिए आपको? एक दिन का है, एक हफ्ते का है, एक महीने का है, एक साल का है, व्हाटएवर. और फिर 100 किलो एप्पल कितने वाला चाहिए, उसमें भी 50 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो, अलग अलग आता है. तो डिमांड के साथ में टाइम भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, प्राइस भी होना चाहिए. ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं. डिमांड शेड्यूल पे आते हैं. हम लोग का आंसर है, पहला आंसर ऐसा आ सकता है एग्जाम में, एक्सप्लेन इंडिविजुअल डिमांड या डिमांड शेड्यूल. तो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. तो डिमांड शेड्यूल में क्या करते हैं हम लोग, टेबल के जरिए हम लोग रिलेशनशिप बताने की कोशिश करते हैं, किसकी, प्राइस और क्वांटिटी जो है, एक पर्टिकुलर प्राइस, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस और क्वांटिटी में क्या रिलेशनशिप है वो हम लोग बताने की कोशिश करते हैं, किसके जरिए, टेबल के जरिए, उसी को डिमांड शेड्यूल बोलते हैं. डिमांड शेड्यूल में भी आइदर इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड. डिमांड शेड्यूल जो हो सकता है आप लोग का इंडिविजुअल डिमांड भी हो सकता है, मतलब एक जन की भी हो सकती है और पूरे मार्केट की एक साथ हो सकती है. ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है. इंडिविजुअल डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, जो एक कंज्यूमर, एक कस्टमर, जो मैं किसी प्रोडक्ट को डिमांड कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक वीक के लिए, एक दिन के लिए, जो भी मतलब डिमांड होती है, और एक पर्टिकुलर प्राइस पे, जो उसकी पर्टिकुलर प्राइस चल रही है, तो उसी को क्या बोलेंगे, एक कंज्यूमर जो डिमांड करता है उसी को क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज प्रिपेयर्ड टू बाय एट वेरियस प्राइसेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या दिखाता है हम लोग को, टेबल के जरिए रिप्रेजेंट करता है कि अलग अलग क्वांटिटीज एक कंज्यूमर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट के जब प्राइस चेंज होती है तो उसको कितनी क्वांटिटी क्या करेगा, वो अलग अलग प्राइसेस पे बाय करता है, खरीदेगा, बराबर ना. तो लेकिन टाइम क्या रहेगा उसके लिए, शेड्यूल मतलब ना, हर एक प्राइस का जो रहेगा एक वीक एक डे, तो ना उसका टाइम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. मतलब ना पहले जैसे एग्जांपल, मुझे एप्पल चाहिए तो मैंने आज एक किलो खरीद के लगाया, फिर एक महीने बाद गया तो 4 किलो खरीदा, लेकिन अभी वो डिपेंड करता है कि मैंने जो एक किलो खरीदा था कितने दिन के लिए था, एक दिन के लिए था कि दो दिन के लिए था. अब जो 4 किलो खरीदा हूँ वो कितने दिन के लिए पता नहीं, तो डिपेंड करना चाहिए, टाइम फिक्स रहना चाहिए कि ये जो डिमांड है मेरी एक दिन की डिमांड है. ठीक है, दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल. तो नीचे डिमांड शेड्यूल दिया, कमोडिटी के प्राइस दिया हुआ है 10 रुपए. जब एक प्रोडक्ट का प्राइस है, समझो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो जो सस्ते में रहता है, एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, इसमें लेमन ले सकते हैं, बराबर ना. तो 10 रुपए प्राइस है तो हम लोग कितनी क्वांटिटी लेते हैं उसकी, 1 केजी, बराबर है. 8 रुपए प्राइस हो गई तो अब इस लेमन इतना सस्ता नहीं होता केजी में, लेकिन हम लोग कोई दूसरा ले सकते हैं उसके बदले. आप लोग ले लीजिए एग्जाम्पल, समझो सब्जी ले लीजिए कोई, बराबर ना. तो 10 रुपए में, 10 रुपए जब उसका प्राइस है तो हम लोग कितना केजी उसको डिमांड करते हैं, 1 केजी. 8 रुपीज प्राइस है तो कितना रुपए, 2 केजी. 6, मतलब प्राइस कम होते जा रही है. देखो ध्यान से देखो, प्राइस यहाँ पे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहे हैं, बराबर ना. और डिमांड क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं. डिमांड बढ़ रही ना, प्राइस 10 से 8 हो गया तो डिमांड कितनी होगी, 1 से 2 हो गई. 8 से 6 हो गई तो 2 से कितनी होगी, 3 केजी होगी. तो ऐसा देखिए बढ़ते जा रहा है. तो सिंपल सी बात से देखिए, समझते हैं कि दोनों प्राइस और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स. मतलब एक बढ़ेगा दूसरा क्या होगा, कम होगा. एक कम होगा दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा.
मतलब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नॉर्मल बात है, आप मार्केट में हो ना, कोई भी चीज का प्रोडक्ट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, उसको कम यूज करते हैं। प्राइस कम हो जाए क्या करते हैं, उसको ज्यादा यूज करते हैं, कोई चीज नॉर्मल चीज है। टेबल 3.1 शोज डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स परचेज बाय एन इंडिविजुअल। तो टेबल शो में, टेबल में शो किया गया है कि एक कंज्यूमर डिफरेंट प्राइस पे कितनी क्वांटिटी खरीदता है। इट इज ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांड एट राइजिंग प्राइस एंड मोर क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज एट फॉलिंग प्राइस। उसने क्या बताया, जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहा है वैसे वैसे डिमांड क्या होती जा रही है, उसकी बढ़ती जा रही है। और अगर नीचे से देखोगे तो प्राइस क्या होता है, नीचे देखो ना, 2 से 4 हो गया तो डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। तो प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होता है, कम। प्राइस कम होती है डिमांड क्या होता है, बढ़ जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल बात है। इट इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो इससे क्या मालूम पड़ता है हम लोग के बीच में, क्या मालूम पड़ता है हम लोग को कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, क्वांटिटी डिमांड के बीच में क्या, कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। इनवर्स मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, या एक कम होगा दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, अब इसका डिमांड कर्व मतलब हम लोग इसको क्या करेंगे, टेबल पे शो करेंगे। तो टेबल मतलब जो ग्राफ आप लोग बनाते, सॉरी टेबल बनाओ, ग्राफ में शो करेंगे। ग्राफ आप लोग को पता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड ग्राफिकली हम लोग क्या करेंगे, जो डिमांड शेड्यूल हमने बनाए थे उसको ग्राफिकली क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का ग्राफ है बराबर ना, तो 10 पे देखो कितनी कौन डिमांड है की 1, तो ये पॉइंट ने बना लिया। फिर 8 पे कितनी थी, 2, 6 पे कितनी थी, 3, बराबर है। 4 पे कितनी थी, 2, और 2 पे कितनी है, 2 रुपीज पे 5, बराबर ना। फिर सब पॉइंट को एक साथ क्या कर देंगे, लोग मिला देंगे, तो ये बन जाएगा हम लोग का डिमांड शेड्यूल। लिख रहे हैं आप लोग को डिमांड शेड्यूल, डीडी लिखा है उन लोगों ने। ये आप लोग को डॉट डॉट करके बनाना है तो बना सकते, नहीं बनाना तो भी बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके आंसर्स वगैरह, सोल्यूशन वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे से डिटेल में सोल्यूशन मैंने बनाया है, मतलब क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक से ही बनाया है, इसलिए आप लोग को ज्यादा अच्छा लगेगा और ज्यादा आप लोग को बोलते ना रिलेटेबल लगेगा, आप लोग को मजा आएगा। ये डीडी जो है डिमांड कर्व है, वहीं पर लिखा है उसमें, तो कोई खास नहीं है। एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड, क्वांटिटी डिमांड लिखा है, और वाई एक्सिस पे क्या दिखा है, प्राइस लिखा है। तो ये देख के पता चलता है हम लोग को कि एक्स एक्सिस लिखेंगे हम लोग कि एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी डिमांड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखो कितना सिंपल है, ये भी वही चीज सेम था कि बताया खाली उसने रिप्रेजेंटेशन करता है, और ये क्या होता है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होता है, कम होता है। प्राइस कम हो रही, डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वो लिखा उसने। और फिर लास्ट में लिख दिया कि उन लोग के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। वैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे वही बताया कि एक्स पे क्या दिखा रहे हैं हम लोग, क्वांटिटी डिमांडेड जो हम लोग डायग्राम बनाए उसके बारे में लिखेंगे। वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी, बराबर ना। और ये बता दिया कि डीडी जो कर्व है, डिमांड कर्व है हम लोग का, ये जो डिमांड कर्व है बराबर ना, ये क्या हो रहा है, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से राइट आप लोग का क्या हो रहा है, स्लोप डाउन नीचे जाता है, बराबर ना। तो इसी से इंडिकेट होता है कि दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर कोई स्लोप लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जाएगा, लेफ्ट से लेकर राइट पे क्या जाएगा, डाउनवर्ड नीचे जाएगा, तो इसका मतलब वो क्या, कौन सा रिलेशन शो करता है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स मतलब एक बढ़ेगा दूसरा क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, तो ये हो गया आप लोग का इंडिविजुअल डिमांड। अब आते हैं हम लोग मार्केट शेड्यूल पे, ठीक है ना, मार्केट डिमांड शेड्यूल पे। तो मार्केट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल में कुछ फर्क नहीं है। इंडिविजुअल में सिर्फ एक आदमी की डिमांड होती है, एक इंडिविजुअल की डिमांड होती है, और मार्केट में मतलब सबकी मिलके, ठीक है ना। मार्केट डिमांड है टोटल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल कंज्यूमर। तो मार्केट डिमांड क्या है, टोटल डिमांड होती है जो सारे कंज्यूमर की मिला के होती है, एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो सेम आगे का सीधा, तो वहां की अगर आप लोग को डेफिनेशन याद है मार्केट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की, तो यहाँ पे भी उसको थोड़ा चेंजेस करके आप लोग लिख सकते हैं, बराबर है। वही चीज लिखा, देखो, मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी व्हिच ऑल कंज्यूमर आर प्रिपेयर्ड टू बाय एट वेरियस प्राइस ओवर इन पीरियड ऑफ टाइम। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम लोग वही देखेंगे कि क्या बोलते हैं, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जिसमें सारे कंज्यूमर मिलकर एक पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर टाइम पे कितने कमोडिटी खरीद सकते हैं, खरीदते हैं, बराबर ना। इट इज ऑब्टेन बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर। हालांकि यहाँ पे क्या है, हर कंज्यूमर की डिमांड को क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इट ऑल्सो इंडिकेट इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इससे भी वही मालूम पड़ता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल। तो हम लोग डिमांड शेड्यूल से देख सकते हैं, बराबर। तो वही चीजें लिया है, देखो 10 से लेके प्राइस कितने हो गए, 8 हो गई, 6 हो गई, 4 हो गई, 2 हो गई। अब कंज्यूमर यहाँ पे 3 कंज्यूमर लिया उसने, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, तीनों की क्वांटिटी डिमांड डिमांड लिखा है, मतलब कौन कौन कितना कितना मांगता है। तो कंज्यूमर ए का उन्होंने मतलब कुछ भी ले सकता है, आपकी मर्जी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जैसा दिया वैसे देखो तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। आपका नंबर यूज करना तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन याद रखना कि प्राइस कम होती जा रही तो डिमांड क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही। तो इन लोगों ने 5, 10, 15, 25 लिया। फिर यहाँ पे कुछ खास नहीं किया, खाली मतलब एक 5 बढ़ा दिया, तो फिर बाकी वही 5 का मल्टीपल लिया, 10, 15, 20, 25, 30। और यहाँ पे भी ऐसे फिर जो आया इन लोग का, जिसको मार्केट डिमांड बोलते हैं लोग, ये तीनों को क्या किया लोगों ने, प्लस किया है, 5 + 10 = 15, और 15 + 5 + 10 = 15, 15 + 5 = 15, 30, बराबर है। वैसे ही है 10 + 15
हो गया 25 25 प्लस 20 45। तो ऐसे ये पूरा लोगों ने क्या बनाया, मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाया। ठीक है, अभी क्या बताया, शो डिफरेंट टेबल जो है आप लोग का, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एक्स परचेज बाय डिफरेंट कंज्यूमर। तो जो ऊपर वाला टेबल है आप लोग को शो करते हैं कि एक कंज्यूमर, अलग अलग कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी खरीदते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांड एट राइजिंग प्राइस एंड मोर क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज फॉलिंग प्राइस। वही सेम चीज ऊपर कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ कम हो रही है। बराबर ना, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। और प्राइस क्या हो रहा है आप लोग का, जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, डिमांड आप लोग की बढ़ जा रही है। बराबर ना, तो वही सेम चीज के देयरफॉर क्या बीच में प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। वही चीज आप लोग को ऊपर की लिखना है। तो अगर आप लोग को एक याद है, ये याद हो गया तो आप लोग को लॉ ऑफ डिमांड भी बहुत ईजी पड़ेगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, एकदम सिंपल है। ये चीज हमने ऊपर भी लिखी, वही चीज वापस लिखना है, खाली टेबल याद रखने का। ग्राफ वही चीज सेम, ग्राफ मार्केट डिमांड कर्व। बराबर ना, ग्राफिकली द मार्केट डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। बराबर ना, तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो थे आप लोग के सबका हॉरिजॉन्टली मतलब ये ऐसा हो जाता है, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। बराबर ना, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल समेशन मतलब सबको प्लस करेंगे तो आप लोग को मिलेगा। इट इज बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड शेड्यूल। जो मार्केट डिमांड शेड्यूल जो बनाया हमने, इसी के बेस पे क्या ये बनने वाला है, कर्व बनने वाला है। बराबर है, तो पहला देखो प्राइस कितना है आप लोग का 10। बराबर है, और डिमांड कितनी है आप लोग की 30। तो देखो यहाँ पे आप लोग का प्राइस रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा आप लोग का क्वांटिटी डिमांड। तो 10 पे कितना है पहले 30 मतलब 20 और 40 के बीच में। बराबर है, चलिए उसके बाद क्या दिया आप लोग का 8 पे कितना है 45। तो 8 पे 40 और 60 के बीच में 50 होगा, और 50 और 40 के बीच में क्या आएगा 45। तो यहाँ पे लोग बनाएंगे। बराबर है, 10 ऐसा 10 देखोगे 10 बराबर ना, और ऐसा नीचे आओगे कितना रहेगा आप लोग का 20। देख रहे हैं 30। सो 8 पे कितना है आप लोग का देखो, ऐसा लोगों ने पॉइंट बनाया कितना है 45। बराबर ना, फिर 6 पे कितना है 60। तो 6 पे आएंगे लोग और बना देंगे 60। तो ये पॉइंट आप लोग को मिल गया। तो ये आप लोग को ऐसे पॉइंट बनाते जाने के, इन लोगों ने बनाया नहीं, आप लोग पॉइंट बनाइए। बराबर है, फिर ये पॉइंट 4 पे 75 और ये 2 पे कितना है 90। बराबर है, बराबर है। अब सब पॉइंट को क्या करो, तो लाइन मिला दो, ऐसे बना दो, तो आप लोग का मिल जाएगा डिमांड कर्व। बराबर है, चलिए यहाँ पे लिख दिया उन्होंने कि एक्स पे क्या है आप लोग का क्वांटिटी डिमांडेड, वाई पे क्या है आप लोग का प्राइस, और डी पे क्या है डिमांड कर्व। इन द फिगर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट मार्केट डिमांड, एक्स पे क्या आप लोग का मार्केट डिमांड और वाई पे क्या है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एकदम सिंपल चीज, द मार्केट डिमांड कर्व डी डी स्लोप डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वही सेम चीज ऊपर हम लोगों ने इंडिविजुअल में पढ़े, वही के मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, वहां पे इंडिविजुअल डिमांड कर्व था, यहाँ पे क्या था मार्केट डिमांड कर्व, खाली इतना ही फर्क है। स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये इंडिकेट करता है कि दोनों के बीच में प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। वही चीज ऊपर जो हम पढ़े थे वही चीज यहाँ पे भी है। क्लियर है, तो ये हो गया हम लोग का पहला आंसर खत्म, जिसका नाम है हम लोग का डिमांड शेड्यूल। कभी कभार अलग अलग भी पूछ सकता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, कभी कभार साथ में पूछ सकता है, जैसा भी हो आप लोग को। कभी कभार 8 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में आ सकता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन मार्क्स आप लोग को आंसर छोटा बड़ा करना पड़ सकता है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला आंसर लेके। थैंक यू वेरी मच।